बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ साइंस का, जिसका टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो आप एज फाइनल लेसन भी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको आज डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आपने जब भी स्टार्ट करना है कोई भी लेसन, सबसे पहले आपने नेम ऑफ टीचर या ट्रेनिंग लिख देना है, देन आपने क्लास लिख लेना है, देन सब्जेक्ट कौन सा वो लिख देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितना है लेसन का और डेट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपने पहले सबसे मैंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सब यहाँ पर आपने राइट करना अपना टॉपिक। टॉपिक आपका क्या है लेसन का, तो मेरा यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर था तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव की तरफ। जनरल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपने बताने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ने से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे राइट कर दिए। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपको चैप्टर, इस चैप्टर से ये टॉपिक जो भी आप पढ़ा रहे हैं इससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हासिल होगा या क्या स्टूडेंट गेन करेंगे, वो यहाँ पे आपने राइट कर देने हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद टीचिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे राइट किया है डिक्टिव मेथड यूज़ किया है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ की है। आप इंक्वायरी बेस्ड भी कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड भी कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड है, आप जो भी आपको ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवीएड्स मैंने क्या यूज़ करी है, याद रखें कि बोर्ड, मार्कर, डस्टर, बुक, ये तो हर एक लेसन में शामिल होते हैं, हर लेसन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप जो भी यूज़ करते हैं वो यहाँ पर राइट करिए। मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया, स्प्रे बॉटल लिख दी है, वुडन बॉटल, जो भी मेरे एवीएड्स थे मैंने यहाँ पर राइट कर दिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स की आपने प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करेंगे कि उनको इस टॉपिक से रिलेटेड या उसके आसपास कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज मैंने दे दी स्टूडेंट्स से, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी। ठीक है, आगे आ जाते हैं अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। फिर मैंने अपना टॉपिक यहाँ, जब आप स्टूडेंट से प्रीवियस नॉलेज ले लेंगे उसके बाद आपने अपना टॉपिक अनाउंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक बता दिया है कि स्टूडेंट को कि हम लोगों ने आज मैटर और स्टेट्स पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपने टॉपिक देने के बाद आपने इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, आप स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को 2 मिनट दिए और उनको कहा कि स्टूडेंट क्लास में मौजूद डिफरेंट चीज़ों के नाम बताएं। ठीक है, तो वो बोर्ड पे टीचर लिखती जाएगी और बाद में उनमें बता देगी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टेट ऑफ मैटर हैं। ठीक है, उसके बाद टीचर प्रेजेंटेशन कैसे देगी, कोई भी चार्ट आप लगा सकते हैं, आप कोई भी पिक्चर्स शो कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट थिंग्स आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा दिया, देना है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन बता देनी है। ठीक है, फिर मैंने वन बाय वन सबको ब्रीफली स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करना है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर देनी है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जब आप ये डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट्स को तो आप हर एक जो है पैराग्राफ पढ़ाने के बाद या हर एक जो है ना उस स्टेट पढ़ाने के बाद भी आप स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और ये तीनों स्टेट्स इकट्ठी पढ़ा के भी आप स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गैस के बारे में राइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी मैंने यहाँ पे 2 इंक्लूड की है। एक ये है कि क्लास में स्टूडेंट से मैंने एक्टिविटी सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स को, उनके पार्टिकल्स को कैसे होते हैं उनको शो करने के लिए स्टूडेंट से एक्टिविटी करवाई थी। और सेकंड जो है मैंने यहाँ पे एक्टिविटी लिखी है कि स्टूडेंट को डिफरेंट चीज़ें आपने शो करनी है बोर्ड पे या सामने से स्टूडेंट्स को कहना है कि आपने बताना है कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी आपका टॉपिक है लेसन का उसको आपने सम अप कर देना है। सम अप करने में आप स्टूडेंट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप खुद भी सम अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना टॉपिक ख़त्म कर लेंगे आप स्टूडेंट से समेटिव एवल्यूशन लेंगे या रिकैप्चुलेशन भी इसको कहते हैं, या आप स्टूडेंट से टॉपिक के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, कि इनको कितना समझ आया, क्या समझ आया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आके आपने स्टूडेंट्स को होमवर्क दे देना है, और होमवर्क में यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को कर देना है 2 के आपने ड्रॉ करने हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की, 3 स्टेट्स की। आप कोशिश करें कि जब भी आप स्टूडेंट्स को होमवर्क दें तो आप उनको ऐसा दें जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो या जो प्रैक्टिकल हो, जिसको करने में स्टूडेंट वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उनको होमवर्क दे दिया है और यहाँ पे आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। उम्मीद है कि ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मज़ीद लेसन प्लान के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, और हमें कोई भी अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।